वेलकम बैक टू रिएक्शन गुरु शेन अली। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जब बात करें तो आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है जो कि हर तरफ है। नेपाल से काफी लोगों की रिक्वेस्ट, बाय द वे वो हर किसी ने देखी, आईसीसी और बाकी लोगों ने भी शेयर की हुई थी अपने फेसबुक। आईसीसी ने तो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अनाउंसमेंट कर दिया उसके लिए। तो ये मोमेंट है जी आसिफ शेख का जो विकेट कीपर है नेपाल के, और उन्होंने एक ऐसा ब्यूटीफुल जेस्चर दिया है क्रिकेटिंग वर्ल्ड को, यू नो समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। और लेट्स सी के ये मोमेंट कैसा हुआ। जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले, और जिन्होंने देखा दोबारा बात करेंगे। Yeah. I think McBrien has ended up on his feet. I don't think they're going to run him out here, and that is brilliant to see. Asif Sheikh, take a bow. We speak so often about where the spirit of cricket has gone in our game, and you see it on show there, because Kamal Singh Iri has accidentally tripped up Andy McBrien, and I've got goosebumps here in the commentary box. That's a touching moment. It was accidental, but he could have run him out here, and Asif Sheikh has said no. He said he's not going to do it because of the spirit of the game. That's your nominee for the Spirit of Cricket Award for 2022 for the ICC. It's that young man. मतलब यार वो देखो, मुझे तो वो याद आता है कि जिस तरह डेविड वार्नर ने अफीज की बॉल पे छक्का लगाया, अगर वो ना मारते तो यू नो इट वुड बी अ टॉप मोमेंट फॉर द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि वो हाथ से एक बॉल मिस हो गई। और यू नो जिस तरह ये आसिफ शेख ने इस वीडियो में हमने देखा, जिस तरह उन्होंने एक जेस्चर ब्यूटीफुल जेस्चर मतलब रन आउट ना करके किया, तो एज अ क्रिकेटिंग इससे भी ज्यादा मजा आता कि अगर वो जो बॉलर है उनसे टकराया था, अगर वो बॉलर थ्रो ही ना करता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है इसको देखने में। कि ऐसा हम फुटबॉल में तो काफी दफा देख चुके हैं, जो हिट करता है वो मतलब फिर आगे बॉल नहीं लेके जाता, लेकिन क्रिकेट में ये मैंने तो काफी टाइम बाद देखा है। पत्नी बीच में कभी नीचे हुआ होगा, इतना इंटरनेशनल लेवल पे कभी नहीं किसी ने इतना दिल बड़ा किया, तो वेल डन। और फिर क्रिकेट के जो है इनके मैचेस भी हम लोग साथ साथ यहाँ क्वालिफायर्स हो रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ विशेस टू नेपाल। और सेमीफाइनल में अभी तक पहुंच गए हैं, अभी नेक्स्ट का हमें नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल में है, तो होपफुली वर्ल्ड कप के लिए आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर यस फिर देखते हैं कि पहुंचते हैं या नहीं। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है आज के लिए, नहीं टेक केयर एंड बाय।